कृषि टेक्नोलॉजी विज्ञान सब क्षेत्र में आगक बढ़ुच्च भारत आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बा आरएसएस प्रतिष्ठा दिवस नागपुर में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम आरएसएस मुख्य मोहन भगवत संबोधन में मोहन भगवत कहते जी ट्वेंटी आफ्रिकीय यूनियन सदस्यता को स्वीकृति तथा प्रथम दिन में परिषद घोषणा पत्र सर्वसहमति पारित होगा प्रमाण करुछि विश्व दरबार में भारत प्रतिष्ठा बढ़ी 22 जनवरी में अयोध्या राम मंदिर में प्रभु रामलाल प्रवेश होपरी एशियन गेम्स भारत सफलता कथा मोहन भगवत किसी लोक निजर स्वार्थ हासिल देश में भेदभाव सृष्टि करता कहते भगवत तेरे संघ समाज सबुबले शांति बनी रहू ए प्रयास जारी रखी नागपुर में संघर मुख्यालय शस्त्र पूजा आरएसएस मुख्य मोहन भगवत 1925 पवित्र विजयादशमी तिथि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार संघ रूपी जो बीज रोपण करते जहाँ अच्छी ता महाद्रुम परिणत हो सारी हाथ गणती छोट छोट पिला और युवक को नहीं 98 वर्ष तले महाराष्ट्र नागपुर सहर में आरंभ होता संगठन आज देशर गाँ गाँव में पहुंची पारे एवं देश विदेश विभिन्न स्थान में संघर 60,000 अधिक शाखा सक्रिय भाव चलुच्ची भारत को विश्वगुरु बनवार निज लक्ष्य पथरे निरंतर आगे चली आरएसएस भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता से की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया, इसको हमने अनुभव किया। इस बार आशियाई खेल हुए, 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। विश्व में अनेक समस्याएं जिनका हल उनको नहीं मिला, स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। प्रकृति विरुद्ध जीवन शैली, जीवन में स्वैरता, अनिर्बंध उपभोग, आत्यंतिक व्यक्तिवाद, अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है, उसके चलते जो समस्याएं पैदा हुई है पर्यावरण की वगैरह, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।